भाइयों ने, तो स्वागत है आपको हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ किले के कुतुब मीनार में और मेरे साथ जा रहा है सांझी। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो पकड़ेंगे फिर वहाँ चलेंगे कुतुब मीनार। तो चलें फिर सब्सक्राइब कर देना। लोग भाई पहुँच गए हम मेट्रो स्टेशन पर। ये रही हमारी मेट्रो। Few moments later. लो भाई पहुंच के हम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और उसके सामने ही है ये रहा कुतुब मीनार। दिख रहा आपको दूर से ये रहा कुतुब मीनार। तो अभी चलते हैं कुतुब मीनार, यहाँ से ऑटो लेंगे फिर चलेंगे कुतुब मीनार। गाइस पहुंच चुके हम कुतुब मीनार, चलते हैं अंदर। तो गाइस ये है टिकट एरिया, यहाँ पे कटते हैं टिकट। तो चलते हैं टिकट कटवाने फिर यहाँ। इसके सामने से बिल्कुल इसके सामने ही है, ये है एंट्री कुतुब मीनार की। ये है टिकट कॉर्नर और ये स्पेशल बनाया हुआ है फॉरनर्स के लिए। और ये सारे इंडियन टूरिज्म यहाँ से टिकट लेते हैं इंडियन वाले। 40 रुपये है मेरे ख्याल से पर बंदा। और ये है फॉरनर्स के लिए, फॉरनर्स के लिए देखो कितनी की है, कैश 600 पर पर्सन। और हमारे लिए कैश में 40 रुपीज़ ओनली। चलो टिकट लेते हैं फिर चलते हैं कुतुब मीनार। लो जी मिल गया टोकन, इसके बिना एंट्री नहीं है। सो गाइस ये रहा कुतुब मीनार, पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के कुतुब मीनार में। बहुत बड़ी हाइट है इसकी, बहुत लंबी हाइट है इसकी, बुर्ज खलीफा जैसी। देखो भाई क्राउड कितना है, उस साइड है पूरा क्राउड। तो आगे चलते आगे दिखाएंगे आपको पूरा क्राउड। यहाँ चलेंगे, यहाँ बहुत क्राउड है। यहाँ से देखो भाई कितनी बड़ी हाइट दिख रही है इसकी, आप देख पा रहे हो। और यहाँ फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं, क्राउड बहुत होता है, संडे को होता है ज़्यादा क्राउड। तो आज तो चलो कम क्राउड है, आगे चलते हैं दिखाएंगे आपको। ये है कुतुब मीनार, कितने लोग देखने आते हैं उसको। ये जो पत्थर है ना, देखो पत्थर, देखो कैसे कैसे पत्थर है पुराने ज़माने के पत्थर। देखो कितने मजबूत पत्थर होते हैं बहुत। लो भाई ऊंचाई पे आ लिया हम, यहाँ से व्यू आ रहा बढ़िया कुतुब मीनार का। यहाँ लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, पत्थरों में फोटो शूट कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं इनका। पहले फोटो दिखाओ। इसके सामने पार्क भी है, रेस्ट भी कर सकते हो आप, डिनर वगैरह कर सकते हो। लोग यहाँ पिकनिक बनाने भी आते हैं फैमिली के साथ। पब्लिक वैसे आज कम है, थोड़ा बहुत सुनसान है। और यहाँ पब्लिक तो वहाँ है, वहाँ रील्स वगैरह बनवाते हैं लोग। इसके अंदर चलते हम यहाँ पे, चलो। ये देखो ये एक तरह से मकबरा है ये, आगे चलते हैं। भाई आप सबको पता होगा कि कुतुब मीनार में एक कब्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो कब्र, यहाँ पे कब्र है। और मैं दिखाता हूँ आपको इनकी कहानी कि ये कौन है, ये लिखा हुआ है इनका। टॉम्ब ऑफ इमाम जमाम, इनकी ये कहानी है, बायोग्राफी। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। फिर, 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 एक और, एक और।
ये इनकी कब्र है सामने बिल्कुल। तो आप निकलते हैं बाहर, और ये सारा लकड़ का बना हुआ है ये। शाम का टाइम होती है, पब्लिक कितनी सारी पब्लिक है यहाँ, इसके सामने लोग फोटो शूट करवाते हैं। और यहाँ बहुत सी खतरनाक चीज़ें हैं, जहाँ फोटोज वगैरह बहुत खतरनाक आती हैं यहाँ पे। यहाँ भी बहुत क्राउड है, आपको एक और जगह लेके चलते हैं। इस जगह की भी बहुत कहानी है और यहाँ लिखी भी हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिखा पड़ा है इनका। ये इनके बारे में लिखा हुआ है, ये देखो, ये भी एक मकबरा है सामने। चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे यहाँ दिखाते हैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कुतुब मीनार, जो बनते बनते रह चुका था, ये सामने ही है। ये है दूसरा कुतुब मीनार जो बनते बनते रह गया, इसको छोड़ दिया, बनते बनते रह गया। ये है दूसरा कुतुब मीनार, और ये पहले वाला कुतुब मीनार ये है सामने। ये दूसरा कुतुब मीनार था, बना रहे थे पर बनाते बनाते छोड़ दिया इसको। चलो आगे चलते हैं, अब दिखाएंगे आपको आगे कुछ और चीज़ें। ये रहा दूसरा कुतुब मीनार, और ये पहला कुतुब मीनार है इसके सामने ही। कबर है, मीनार में है पैरट एक एरा, और एक ये सामने है। ये लिखा हुआ है कुतुब मीनार के बारे में, पढ़ लेना एक बारी आप भी। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके सामने ही है कुतुब मीनार। ये है खालजी का मकबरा, दिखाता हूँ आपको अंदर से। खालजी का मकबरा है ये, यहाँ से सीढ़ियाँ थी, ये बंद कर रखा है, ऊपर है ही नहीं कुछ, वैसे भी तोड़ रखा था। ये खालजी का मकबरा है ये। सारा उर्दू भाषा में लिखा हुआ है कुतुब मीनार पे। देखो शाम हो चुकी है, लाइटिंग देखो कितनी बड़ी मस्त लग रही है। गाइस टाइम हो चुका था कुतुब मीनार बंद करने का, और हम अब जा रहे हैं वापसी घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Okay.